बेंगलुरु के एक व्यवसायी को भाजपा का टिकट लेने की चाह भारी पड़ गई। दरअसल केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने उडुपी जिले के बिंदूर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यवसायी को भाजपा का टिकट दिलाने का वादा करके करोड़ों रुपए ठगे हैं। लेकिन इस खबर में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि आरोपी महिला खुद को आरएसएस का करीबी बताती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चैत्रा कुंडूपुरा ने उद्योगपति गोविंदा बाबू से रुपए ठगने के लिए दो आरएसएस नेताओं के नाम लिए। आरोपी महिला ने बाबू से कहा कि आरएसएस के नेता सुरेंद्र और विश्वनाथ को अच्छे से जानती है, उनसे बात करके उन्हें भाजपा का टिकट दिला देगी। इसके लिए उसने बाबू से करीब 3.5 करोड़ रुपए लिए। बाद में जब उद्योगपति को टिकट नहीं मिला तो उसने अपने रुपए वापस मांगे। इस पर महिला ने कहा कि सुरेंद्र की हिमालय में मौत हो गई, जबकि सच यह था कि ऐसा किसी नाम का कोई नेता कभी था ही नहीं। लेकिन जब जांच हुई तो चैत्रा का कोई भी लिंक आरएसएस से नहीं निकला, बल्कि आरोपी साध्वी ने एक कबाब बेचने वाले को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य के रूप में बाबू से मिलवाया था। लेकिन सबसे खास बात और दिलचस्प बात यह है कि कल रात अपनी गिरफ्तारी से पहले साध्वी उडुपी में एक मुस्लिम महिला के घर में छिपी हुई थी, जबकि चैत्रा दूसरे धर्म के खिलाफ जमकर जहर उगलती थी। चैत्रा कुंडूपुरा दक्षिणी पंथी कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व अनुयायियों के बीच लोकप्रिय है। चैत्रा कुंडूपुरा दक्षिण कार्यकर्ताओं और हिंदुत्व अनुयायियों के बीच काफी लोकप्रिय है। नफरत भरे भाषण देने के मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज है। पुलिस ने कहा कि दोनों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें बेंगलुरु ले जाकर अदालत में पेश किया जाएगा। बेंगलुरु से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए FRK खान की रिपोर्ट।